झाबुआ विधानसभा सीट पर उपचुनावों की घोषणा से पहले की कांग्रेस की फूट सामने आ गई है। पूर्व विधायक जेवियर मेड़ा को टिकट मिलने की खबरों के सामने आने के बाद आज कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों ने जेवियर मेड़ा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विरोध कर रहे कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेवियर मेड़ा को टिकट मिलने पर विरोध करने और पार्टी के लिए काम न करने की चेतावनी दी। दरअसल झाबुआ विधानसभा सीट से भाजपा के गुमान सिंह डामोर के सांसद चुने जाने के बाद झाबुआ विधानसभा की सीट खाली है और जल्द ही सीट पर उपचुनाव होना है। सरकार में आंकड़ों में कमजोर कांग्रेस इस सीट पर कब्जा कर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है, लिहाजा झाबुआ विधानसभा सीट पर कब्जे को लेकर कांग्रेस ने सरकार के मंत्रियों को मैदान में उतार रखा है। यही नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री 11 सितंबर को झाबुआ का दौरा कर चुके हैं। सीट खाली होने के बाद से ही कांग्रेस के पूर्व सांसद कांतिलाल भूरिया और पूर्व विधायक जेवियर मेड़ा टिकट की दौड़ में हैं। ऐसे में जेवियर मेड़ा को कांग्रेस से टिकट दिए जाने की खबरें सामने आने के बाद आज कांग्रेस का अंतर्कलह और गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस संगठन के पदाधिकारियों ने जेवियर मेड़ा को टिकट न दिए जाने की बात कहते हुए विरोध का झंडा बुलंद कर दिया। हालांकि विरोध को लेकर अब तक जेवियर मेड़ा का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। हम आपको बता दें कि 2018 में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से बगावत कर जेवियर मेड़ा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे और उन्होंने कांग्रेस का गणित बिगाड़ दिया था। संगठन के पदाधिकारी एकत्रित हुए थे यहाँ जिला पंचायत में, सोशल मीडिया पर चल रही के टिकट का नाम चल रहा जेवियर मेड़ा का, ये करके पदाधिकारी एकत्रित हुए और इनने कहा कि पार्टी को इस बात पे विचार करना सही कि पहले कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार को टिकट मिल के इनको हराया था इस आदमी ने, तो ऐसे आदमी की टिकट नहीं होना चाहिए। पदाधिकारियों का यही कहना है यहाँ की जो टिकट है जेवियर को मिल रही, तो जेवियर को देंगे अगर उनका प्रमोशन करेंगे तो फिर हमारे में से भी 10-15 प्रमोशन के लिए खड़े रहेंगे, फिर उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि फिर हमें भी प्रमोशन देवे, क्योंकि आजकल ऐसा चलन हो चुका है तो फिर हमको भी ऐसा हो रहा है कि हम भी